तो दोस्तों तैयार है ये इजी सा ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी केक सीखने के लिए। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल वर्सेटाइल शीतल। और चलिए फिर ये इजी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कुकर गैस पे रख दिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। और जब तक ये प्रीहीट होता है हम अपना केक का बैटर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 240 ml का कप है, ये कप भर के मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें कुकिंग ऑयल मिलाऊंगी और अभी इसमें हम पानी मिलाएंगे। जब तक कंसिस्टेंसी अच्छे से एडजस्ट नहीं होती उतना पानी आपको मिलाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। विस्कर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इस बैटर को अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी। आपको एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, सब तरफ से मिक्स करते नहीं घूमना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है। देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह से इसके रिबन फॉर्म होने चाहिए। इतनी पतली इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बहुत ज़्यादा थिक नहीं। अभी ये हमने एक टिन को ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर मैंने मैदा डाल दिया है। ये मैं आज कुकर का डिब्बा यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे राउंड शेप का छोटा केक चाहिए। इसके अंदर हम अपना बैटर फिल कर लेंगे। अभी हमने ये बैटर इसके अंदर भर लिया है, इसको हम 2-3 बार टैप कर लेंगे और इसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे वो अच्छे से निकाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। अभी हम इसको अपने प्री हीटेड कुकर में रख देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। इसका ढक्कन हटाएंगे, इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है मैंने और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर ली है और इसको ढक्कन लगा के हमको 35-40 मिनट्स तक इसको बेक करना है। इसकी फ्लेम आपको अपने गैस के बर्नर के हिसाब से रखनी है। मेरे गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकता है। आपका अगर बहुत ही छोटा बर्नर है तो इसे मीडियम तक आप कर सकते हैं। और मैं और एक बात बताना आपको भूल गई, इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी इसेंस भी मिलाया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर मिलाइएगा, वो वीडियो में लेना मैं भूल गई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 35 मिनट्स हो गए हैं, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और अभी हम इसे खोल के देखेंगे। गया, अभी सेंटर में नाइफ डाल के हम इसे चेक करेंगे। देखिए, हम अभी सेंटर में नाइफ डालते हैं, अपना नाइफ कम्प्लीटली क्लीन आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से बेक हो गया है। अभी गैस बंद करके इसे हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही डीमोल्ट करेंगे। सो अभी हमारा ये स्पंज रेडी है, काफ़ी सॉफ्ट बना है ये। इसे हम 3 लेयर्स में काट लेंगे। ये जो ऊपर डोम शेप है इसे हमें हटाना नहीं है, इसे हम सेंटर में उल्टा करके रख देंगे तो केक को काफ़ी हाइट मिल जाएगी। नाइफ से मैंने आसपास नॉचेस करके फिर थ्रेड के सहायता से इसे काट लिया है। देखिए, अब थ्रेड से ये बहुत इजीली कट जाता है। ये मैंने 240 ml व्हिपिंग क्रीम ली है जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। देखिए, आपको इसके इतने स्टिफ पीक्स आने तक आपको बीट करना है, बहुत सॉफ्ट पीक्स नहीं होने चाहिए। और अभी बेस पे मैं थोड़ी सी क्रीम लगा के सबसे नीचे वाला लेयर केक का यहाँ पे रख दूँगी और इसे शुगर सिरप से हम लोग गीला कर लेंगे। अच्छे से शुगर सिरप डालने के बाद एक पेपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है और उससे मैं यहाँ पे लेयरिंग कर दूँगी। मैंने पॉलीथीन यूज़ की है, आप भी कोई पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पेपिंग बैग नहीं है तो। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है, ये मेरा घर का बना हुआ स्ट्रॉबेरी क्रश है इसलिए कलर थोड़ा सा इसका डार्क है। 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद मैंने इसे फैला लिया है और अभी जो टॉप का लेयर है डोम शेप इसे हम यहाँ पे उल्टा करके रख देंगे और फिर उसे शुगर सिरप से कोट कर लेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे जो गैप है उस गैप में हम फिर से क्रीम भर देंगे पाइपिंग बैग से ताकि ये अच्छे से लेवल में आ जाए और फिर उसे फिर से शुगर सिरप से गीला करेंगे और फिर पहले वाला स्टेप रिपीट करेंगे। क्रीम से इसे कवर करेंगे और उसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। स्ट्रॉबेरी क्रश को अच्छे से फैला लेंगे और फिर जो अपना सेंटर वाला लेयर था वो हम सबसे टॉप में रखेंगे ताकि केक को बहुत अच्छी शेप आए ऊपर से। फिर हम इसे गीला करेंगे और ऊपर क्रीम लगाएंगे। इस लेयर पे हमें क्रश नहीं लगाना है, सिर्फ क्रीम लगा के मैंने सब साइड्स को इसको पतला सा कोट कर लिया है जिसे क्रम्ब कोटिंग कहते हैं। इससे हमारे सारे क्रम्ब्स अंदर दब जाते हैं। इसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था और फिर से मैंने पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर
क्रीम लगाना शुरू किया है। देखिए अगर आप बैग यूज़ करते हैं तो क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस तरह से सभी और मैंने इसे टेबल को घुमाते हुए कवर कर लिया है। टॉप में भी हम कवर कर लेंगे और फिर स्पैचुला की मदद से इसे स्मूथ करेंगे। सिर्फ आपको टेबल को घुमाना है और देखिए ये स्मूथ होता जाता है। टॉप का जो लेयर है उसे आपको अंदर क्रीम खींचते हुए स्मूथ करना है। ये प्रोसीजर आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपको जैसी आपको चाहिए वैसी फिनिशिंग मिल नहीं जाती। आपको ध्यान रखना है आपका स्पैचुला क्लीन होना चाहिए। एक्स्ट्रा सारी क्रीम आपको कटोरी में स्क्रैप करते जाना है और कपड़े से इसे क्लीन करते जाना है। और फिर मैंने ये ज़िगज़ैग स्क्रैपर लेके इसको बहुत लाइटली होल्ड करके टर्न टेबल को घुमा लिया है और देखिए इजीली ये डिज़ाइन बन गया है। मैंने घर में ही कॉर्नफ्लोर की सहायता से जेल बनाया है। इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और साइड में मैं इससे ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दूंगी। धीरे धीरे इसे आपको साइड्स में ड्रिप करते जाना है और ये बहुत ईजिली बहुत सुंदर लगता जाता है। इसी बैग से टॉप पे भी मैं डाल दूंगी। ये काफ़ी पतला सा इसलिए ड्रॉप्स में गिर रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इसे डाल के एक स्पैचुला की मदद से इसे स्मूथ कर लेंगे। बिल्कुल लाइटली आपको स्पैचुला पकड़ना है, नहीं तो आपकी क्रीम साथ में निकल सकती है। तो धीरे धीरे मैंने इसे पूरे टॉप लेयर पर कवर कर दिया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये। फिर मैंने एक कोन लेके, देखिए ये कोन भी मैंने घर में ही बनाया है। इस कोन में मैंने थोड़ी सी क्रीम अंदर डाल ली है और पूरी तरह से इसे अंदर फैला ली है। अभी जो आप अंदर फैली हुई क्रीम देख रहे हैं उसमें मैं कुछ ड्रॉप रेड और पिंक कलर के डालूंगी। देखिए मैंने बिल्कुल छोटा स्टार नोज़ल इस पर लगाया है और अंदर मैंने वाइट क्रीम भर दी है, सिंपल वाइट क्रीम। और इस तरह से मैं इसका बॉर्डर बनाती जाऊँगी। क्योंकि हमने सिर्फ साइड्स में पिंक कलर डाला है तो ये शेडिंग इफ़ेक्ट देते हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। तो देखिए इस तरह से मैं टर्न टेबल को घुमाते हुए इसका बॉर्डर बनाती जाऊंगी और आप देख सकते हैं ये कितना प्रेटी लग रहा है। फिर मैंने सेम नोज़ल से इसके ऊपर इस तरह से चोटी का डिज़ाइन बनाया है। क्रॉस में आपको सिर्फ करते जाना है और देखिए ये बहुत ईजिली और बहुत सुंदर बनता जाता है। अगर आपका केक थोड़ा ब्रॉड है तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कितना इजीली और कितना अच्छा बन गया है और शेडिंग इफ़ेक्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स इस पे डाल दिए हैं और इसे डेकोरेट कर लिया है और आप देखिए कितना सुंदर हो गया है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आज आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।